जिस महिला के सर के ऊपर उसका पति नहीं है तो उसको रोजगार की जरूरत नहीं है, वो अपने बच्चे कैसे पालेगी? कटोरा हाथ में लेके भीख मांग थोड़ी ना मांगेगी, रोजगारी ही मांगेगी। एक बार प्रधानमंत्री जी से ये पूछना कि सिलेंडर कितने का दे रहे हैं वो, 1053 रुपए का। तेल कितने का दे रहे हैं, नमक मिर्ची कितने का दे रहे हैं, GST लगा दिए बच्चों के दूध के ऊपर, बच्चा क्या पिएगा? क्योंकि वो तो बेऔलाद है, उनके तो औलाद ही नहीं है। औलाद का दर्द वो जानता है जो औलाद वाला होता है, वो है बेऔलाद। मेरे यहाँ कोई BJP का झांक भी नहीं सकता मेरी कॉलोनी में, इतना खोप है, हिला के रख देती हूँ मैं पुलिस वालों को भी, उनको सबको। आपका बच्चा है तो आप दर्द जानोगे ना, मेरा बच्चा अगर भूखा रो रहा है, प्यासा हो रहा है, दूध के लिए तड़प रहा है, तो दर्द एक माह जानेगी। बीजेपी वाले भटक मेरी कॉलोनी में नहीं आ सकता कोई भी, मैं अपनी कॉलोनी का देती हूँ। इस वक्त आज़ादी के 45 साल में पहली बार बेरोजगारी दर जो है वो अपनी चरम सीमा पर है। पिछले 45 साल में ऐसा देखने में आया है कि जो बेरोजगारी दर है वो लगातार बढ़ती जा रही है। आज जंतर मंतर पर उसी को लेकर आंदोलन चल रहा है, लेकिन मेनस्ट्रीम मीडिया में ये आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मेनस्ट्रीम मीडिया का एजेंडा अलग है, वो हिंदू मुसलमान करती है। लेकिन हमारी जिम्मेदारी है, हम आपको दिखाएंगे। हमारे साथ एक महिला है, उनसे बात करेंगे कि आखिर इनको रोजगार के आंदोलन में पहुंचने की क्या जरूरत पड़ी। मैम आप तो महिला, आपको रोजगार की क्या जरूरत है, आपकी तो उम्र भी हो गई। नहीं नहीं, आप ये बताइए कि महिला को रोजगार की जरूरत नहीं है? वो बच्चे जिस महिला के सर के ऊपर उसका पति नहीं है तो उसको रोजगार की जरूरत नहीं है, वो अपने बच्चे कैसे पालेगी? कटोरा हाथ में लेके भीख मांग थोड़ी ना मांगेगी, रोजगारी ही मांगेगी। ठीक है, रोजगार हर इंसान को चाहिए, बच्चों को चाहिए, महिलाओं को चाहिए, बुजुर्गों को चाहिए, जिनके घर में बच्चे नहीं होते कमाने वाले, उनको भी तो रोटी खाने के लिए मिलनी चाहिए ना, तो रोजगार किसको नहीं चाहिए, हर इंसान। लेकिन प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि रोजगार जो है आत्मनिर्भर बनो, पकौड़ा बेचो, चाय बेचो, खुद का बिजनेस करो। चाय बेचो, पकोड़ा बेचो। एक बार प्रधानमंत्री जी से ये पूछना कि सिलेंडर कितने का दे रहे हैं वो, 1053 रुपए का। तेल कितने का दे रहे हैं, नमक मिर्ची कितने का दे रहे हैं, GST लगा दिए बच्चों के दूध के ऊपर, बच्चा क्या पिएगा? क्योंकि वो तो बेऔलाद है, उनके तो औलाद ही नहीं है। औलाद का दर्द वो जानता है जो औलाद वाला होता है, वो है बेऔलाद। तो दर्द नहीं जानते, नहीं जानते जो औलाद वाला। अब आप सुनो, आपका बच्चा है तो आप दर्द जानोगे ना, मेरा बच्चा अगर भूखा रो रहा है, प्यासा हो रहा है, दूध के लिए तड़प रहा है, तो दर्द एक माह जानेगी। मोदी जी नहीं जानेंगे, मोदी जी ने अभी ये बोला था कि जी फ्री की रेबड़ी बांट रहे हैं, फ्री की रेबड़ी बांट रहे हैं। आप ये बताइए, गरीब का बच्चा वो पढ़ेगा नहीं है? गरीब जो इंसान है उसका अच्छा इलाज नहीं होना चाहिए? आज मेरा बेटा जो है वो सरकारी स्कूल में पढ़ा, ठीक, उसने एंट्रेंस टेस्ट दिया BTech का, उसका दिल्ली में उसका एडमिशन हुआ, उसने BTech किया, एक साल उसने ड्रॉप किया, उसके बाद में फिर उसने MBA का एग्जाम दिया, ऑल ओवर इंडिया के अंदर 1000 उसका रैंक आया, उसने MBA किया, आज वो बॉम्बे में बहुत अच्छी जॉब कर रहा है। वो किसकी बदौलत? सिसोदिया जी की तरफ, हमारे मुख्यमंत्री की वजह से। ये तो कुछ मोदी जी क्या जाने किसी का दुख दर्द। मोदी जी पे आप आरोप लगा रहे हैं बच्चे नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि राष्ट्रहित में उन्होंने बच्चे छोड़ दिए, फैमिली छोड़ दी, बीवी। ऐसा है, मेरी बात सुनिए कि उन्होंने अपनी फैमिली कब छोड़ी थी, कौन से सन में छोड़ी थी, ये बताओ मुझे। शुरू में छोड़ दी जब राजनीति में उनका, मैं थे ही कहाँ जब उन्होंने अपनी पत्नी छोड़ दी थी, जब राजनीति में कहाँ थे। दूसरी बात, मोदी जी कहते मेरी डिग्री मैंने वहाँ से की है। आप ये बताओ, पहले जो डिग्री मिला करती थी, कंप्यूटर नहीं थे ना, हाथ से लिख के दी जाती थी, इनकी डिग्री कंप्यूटर की, उस समय कहाँ कंप्यूटर थे। ये मोदी जी झूठ बोलना छोड़े, ये जुमलेबाजी छोड़ दे, जनता जागरूक होती जा रही है। और जो इन्होंने अभी इसका मुद्दा बनाया था राम मंदिर अयोध्या का, अयोध्या में
जो जगह खरीदी, जमीन खरीदी थी, उसके अंदर भी इनकी घपलेबाजी है, उसके अंदर भी घपलेबाजी है। लोगों ने बनाया, मलाई भी तो वही मलाई खाएंगे। मलाई खाने के लिए ये डंका पीटते हैं मोदी जी, लाल किले पे आंसुए टपकाते हैं, ये काम है मोदी जी का। मोदी जी की तो सारी, अभी उन्होंने बोला भाई बाद बेटा बाद, अभी ये बताओ राजनाथ सिंह का बेटा कौन है, एमएलए है? अमित शाह का बेटा क्या है, क्रिकेट का अध्यक्ष बना रखा है, ठीक है? कौन सा ऐसा मंत्री है जिसका बेटा एमएलए नहीं है या क्या नहीं है? भाई बात इनका कहां से चल जाएगा, इनका चलेगा? परिवार को अगर सहारा नहीं देंगे तो कैसे चलेगा? ये तो हर कोई करता है अपने बेटों के लिए। परिवार बात तो फिर ये लाल किले पे भाषण क्यों देते हैं? परिवार खत्म कर देंगे, परिवार खत्म। अरे पहले तो आप अपने का परिवार खत्म करो, जब किसी दूसरे के ऊपर उंगली उठाना, ठीक है? परिवार दूसरों के परिवारवाद खत्म करेंगे, अपना तो मतलब बढ़ाएंगे आगे। हाँ, अपने तो मलाई खाएंगे ना, दूसरों से तो मुँह से रोटी भी छीनेंगे, अपनों के लिए मलाई बनाएंगे। तो अब ये दुनिया जागरूक हो गई। अभी आपने मनोज सिसोदिया जी का नाम लिया, उनके ऊपर तो सीबीआई है, उनको ढूंढ रही है। सीबीआई किसके ऊपर होती है? अपोजिट पार्टी वालों पे। आप ये बताओ बीजेपी के इतने करप्शन वाले मंत्री हैं, उनके ऊपर ईडी और सीबीआई क्यों नहीं है? कहाँ बीजेपी में तो सब एकदम साफ सुथरे, दूध के धुले हैं, सारे दूध के धुले हैं। ऐसे दूध के धुले ना किसी देश में भी प्रधानमंत्री नहीं होना चाहिए, ऐसा दूध का धुला, ऐसा मंत्री नहीं होने चाहिए। क्या लगता है आपको कैसे नेता है बीजेपी में? बीजेपी में भ्रष्ट है, भ्रष्ट है। किसी की भी एक उठा के देख लो, पोती पत्रा सब भ्रष्ट है। हम में सारे नंगे हैं। तो आपके नेता भी तो दारू में घोटाला कर रहे हैं। दारू का घोटाला कोई नहीं है, क्योंकि हमारे केजरीवाल जी की, हमारे शिक्षा मंत्री सिसोदिया जी की विदेशों में भी डंका बज रहा है, उससे मोदी जी हिल चुके हैं। और ये हिल आगे आगे देखना, मोदी जी तो खुद ही छोड़ के भाग जाएंगे। सर हमारे मोदी जी कहते हैं, अभी आपने कहा था कि गुटखा बेचो, तम्बाकू बेचो, तम्बाकू में साफ साफ लिखा हुआ है जानलेवा बीमारी इसके। मैंने गुटखा नहीं की, मतलब खुद से बिजनेस करो, आत्मनिर्भर बनो, चाय बेचो, पकोड़ा बेचो, ये आपने कहा था। नहीं, चाय बेचो, पकोड़ा बेचो, अपना खुद का बिजनेस करो। सर खुद का बिजनेस रेडी लगाएंगे या दुकान लगाएंगे? एमसीडी में आपको पता है मोदी जी की सरकार है, आके उनका चलान काट देते हैं, रेडी पटरी लगाने नहीं देते, दुकान लगाने नहीं देते। कौन सा अपना काम करें? आके मोदी जी आके मोदी जी बता देना कि ये काम है, ये काम कर लो, चलान भेज देते हैं, मकान तोड़ देते हैं। मेरे पड़ोस में एक मकान बन रहा है, ठीक है, एमसीडी वाले आ गए कि जी मकान किसका है? मैंने कहा जी किस लिए आए, मैं वहाँ की आरडब्ल्यू की प्रेजिडेंट भी हूँ। मैंने कहा आप किस लिए आए हो? कि जी इसके ऊपर नोटिस भेजेंगे हम। मैंने कहा आपकी जेब नहीं भरी इसलिए? मकान बनने से पहले एमसीडी वाले आके खड़े हो जाते हैं सर, उनको पैसा दे दो पॉकेट में, बनाते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर नाली साफ होती नहीं है, झाड़ू लगती नहीं है, कूड़े की गाड़ी आती नहीं है, सिर्फ चलान काटने के लिए आ जाते हैं। सिर्फ चलान काटने के लिए समय है, नोटिस देने के लिए समय है, लेकिन ना तो कूड़े की साफ सफाई के लिए किसी के पास टाइम नहीं है। तो अगर अगर अवैध निर्माण कोई करेगा तो वो तो गिरेगा। नहीं नहीं, अवैध क्यों करेगा, वो अपने अपनी जगह पे बना रहा है। अवैध क्या है, वो उसने पैसा देके जमीन खरीदी है ना, जमीन खरीदी है ना पैसा देके। अवैध कोई नहीं है, उसका 2 फुट का छज्जा है, वो अलाउड है 2 फुट का छज्जा, कहाँ से अवैध हो गया? आप ये बताओ, हमारे यहाँ का जो निगम पार्षद, उसके पास कुछ नहीं था, आज हमारे सेक्टर 22 में 90 मीटर की कोठी लेके बैठा हुआ है, कहाँ से आया ये भ्रष्टाचार? कहाँ से आ रहा है भ्रष्टाचार? कहाँ से आ रहा है ये? तो आप लोग आवाज क्यों नहीं उठाते? उठाती हूँ मैं तो अपनी कॉलोनी में, खूब आवाज उठाती हूँ। मेरे यहाँ कोई बीजेपी का झांक भी नहीं सकता मेरी कॉलोनी में। इतना खोप है, हिला के रख देती हूँ मैं पुलिस वालों को भी, उनको सबको। बीजेपी वाले भटकते भटक मेरी कॉलोनी में नहीं आ सकता कोई भी, मैं अपनी कॉलोनी का देती हूँ।
कोई आपके रही एमसीडी वाले आपके मोहल्ले में एक मकान बता तो रही ना, वो आया मैंने कहा निकल ले यहाँ से, तेरी वीडियो बना के डाल देते हो, जब वीडियो बनाने का नंबर आया बाकी वो हिम्मत होनी चाहिए। गुंडागर्दी चलिए क्या कर रहे हैं गुंडागर्दी और क्या कौन मोदी जी की कहाँ गुंडागर्दी, ये गुंडागर्दी है और क्या ना रोजगार नहीं है बिल्कुल, इतना क्या नाम परेशान है, सिलेंडर पे इतने पैसे बढ़ा रखे हैं, गरीब आदमी क्या करेगा कहाँ जाएगा ये बताइए, कमाई एक है रोजगार पे पैसा नहीं बढ़ रहा है, रोजगार है ही नहीं, 15 दिन काम करते हैं 2 महीने बैठ के खाते हैं, कहाँ से खाएंगे। रोजगार तो चल रहा है, अग्निपथ में भर्तियाँ चल रही है, जब अगर कोई पढ़ा लिखा ना हो तो कहाँ पे भर्तियाँ होंगी उनकी, ये भी तो है बात, जो अगर पढ़ा लिखा नहीं है उनकी भर्ती कहाँ पर होगी, तो वो चाय बेचे पकौड़ा बेचे उसके लिए अभी तो पैसे चाहिए ना, खाने के लिए पैसे नहीं है, किराए का मकान है 4,000 रुपए महीना भरते हैं, आंख नीचे महीना आ जाता है, सिलेंडर हो रहा है 11,000 रुपए का, वो क्या नाम 1100 का, सारे लोग चाय पकौड़े ही खाएंगे। हाँ सारे लोग चाय पकौड़े ही खाएंगे, जो है चाय पकौड़े ही खाएंगे और कोई चीज नहीं खाएंगे। मोदी जी ने तो ये क्या नाम यही क्या नाम देते हैं, कौन से स्टेशन पे चाय बेची है ये बताओ, मोदी जी चाय नहीं बेची, नहीं कौन से स्टेशन पे बेची है बताए तो सही सर, आपको एक मिनट आपको मालूम है कौन से स्टेशन पे बेची है, नहीं वो दावा करते हैं, दावा तो पता नहीं क्या क्या करते हैं, जमाने में नहीं थे ना, दावा तो पता नहीं क्या क्या करते हैं, कितने साल के मोदी जी, एक मिनट कितने साल के मोदी जी, 73-74 की 60 से ऊपर तो मैं भी हो चुकी हूँ, आपने भी नहीं देखा, मैं वही तो पूछ रही हूँ कि कहाँ बेची है चाय, जुमलेबाज एक बार बता तो दे, फोटो भी वायरल होती है चाय में, ऐसे तो मैं यहाँ पे चाय की दुकान पे खड़े होकर फोटो वायरल कर दूंगी, वो मानने हैं कि मैंने चाय बेची है यहाँ पर, ये बताओ मैं यहाँ अभी यहाँ पे कितने स्टॉल लगे होंगे चाय के, ठीक है मैं भी वहाँ खड़े होकर कह दूंगी, कोई मुझसे पूछेगा कि जी मैंने इतनी एज में मैंने वहाँ चाय बेची थी। आप लोग प्रधानमंत्री की तपस्या को समझ नहीं पा रहे, घर छोड़ दिया था कई सालों तक, घर से दूर रहे, चाय बेची, वनवास वाला जिन्होंने जीवन जिया, अब वो देश की सेवा कर रहे हैं तो आप लोग कह रहे हैं महंगाई कर दी, ऐसा है ऐसा प्रधानमंत्री किसी को नहीं चाहिए कि जो देश की सेवा कर रहा है, उन्होंने घर नहीं छोड़ा, उनकी बीबी को उन्होंने छोड़ दिया था, जब ये बताओ आप किसी अपनी पत्नी के साथ अत्याचार करेंगे तो वो तो जाएगी जाएगी, वो तो जाएगी जाएगी, क्या है बिल्कुल बिल्कुल, मैं दिखा दूंगी मेरे पास वीडियो आएगी आपको दिखा दूंगी। तो ये थी हमारे साथ महिलाएं जो रोजगार आंदोलन में जुड़ी हैं और इनकी साफ साफ डिमांड, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर हमने और लोगों से भी बात करके दिखाई, चाहे युवा हो बुजुर्ग हो महिलाएं हो, सब लोग रोजगार के लिए परेशान हैं, कोई अपने बच्चे के लिए रोजगार चाहता है, कोई अपने खुद के लिए रोजगार चाहता है, तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं। सरकार जो है संसद में कहती है कि 24 करोड़ जो है 22 करोड़ जो है आवेदन आते हैं लेकिन सिर्फ 7 लाख लोगों को रोजगार दिया जाता है, तो इससे रोजगार की स्थिति आज भारत में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो हमने दिखा रहे थे तस्वीरें सारी जंतर मंतर से जो यहाँ पर रोजगार आंदोलन की तरफ समिति की तरफ से जो आंदोलन चल रहा है उसकी तस्वीरें हम दिखा रहे थे, महिलाओं से बात करके दिखाई, बुजुर्गों से बात करके दिखाई, युवाओं से बात करके दिखाई, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन ये तस्वीरें आपको मेनस्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाएगा क्योंकि उसका एजेंडा कुछ और है, उसके एजेंडे में हिंदू मुसलमान है, रोजगार शिक्षा उसके एजेंडे में नहीं है। इस वक्त हम थे जंतर मंतर पर, कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ जनित आवाज़ दिल्ली।